कलयुग में यदि संकट से बचना है तो संकट से बचाने वाले कलयुग में एक ही है, या तो भगवान का नाम ले लो, कीर्तन कर लो, और वो नहीं हो पा रहा तो संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा गुरुदेव की नाम। यदि संकट से बचाने वाला कलयुग में कोई है तो कौन है? संकट मोचन। इसलिए कहते हैं कि कलयुग में हनुमान जी महाराज को भजो, और भैया उनके हनुमान चालीसा का सभी पाठ करो। अब आप क्या सोच रहे होगे, हनुमान चालीसा का पाठ करने से क्या संकट नहीं आएंगे? अरे बिल्कुल आएंगे, जैसा फल कर्म किया है वो फल तो भोगोगे। अच्छे बुरे कर्मों का फल ही तो है ये आने वाली विपत्तियां जीवन में। लेकिन हनुमान चालीसा का पाठ जब आप करोगे तो संकट से लड़ने का सामर्थ्य मिल जाएगा। घबराओगे नहीं जल्दी से कि एक परेशानी आई और हम घबरा गए, चिंतित हो गए। इसलिए हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें और सभी लोग करें। कई बार पूछा जाता है कि क्या माताएं हनुमान चालीसा का पाठ कर सकती हैं? बिल्कुल कर सकती हैं। मुझे समझ नहीं आता किस महाज्ञानी ने ये कह दिया कि माताएं हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर सकती। बिल्कुल कर सकती हैं। स्वयं हनुमान चालीसा में गोस्वामी जी लिखते हैं, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होई सिद्धि साखी गौरीसा, तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे हृदय मह डेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। क्या लिखा है गोस्वामी जी ने? जो यह पढ़े हनुमान चालीसा। एक विशेष स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं बताया, मेल फीमेल कोई जेंडर यहाँ पे नहीं बताया कि स्त्री पढ़े, पुरुष पढ़े, बच्चा पढ़े, बच्ची पढ़े, बेटा पढ़े, बिटिया पढ़े, वृद्ध पढ़े, वृद्धा पढ़े। क्या लिखा? जो यह पढ़े, कोई भी जो यह पढ़े। तो माताएं भी पढ़ सकती हैं भैया, बिल्कुल पढ़िए। और कई बड़े बड़े संतों ने इस विषय पर कहा है, बोला है, ग्रंथों में लिखा है, जो बड़े बड़े संत हुए उन्होंने। अब दूसरी बात ये आई कि हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकती हैं, पूजन भी कर सकती हैं, सिवाय महीने के कुछ दिनों को छोड़ करके। बस पवित्रता को बनाए रखते हुए हम हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, पूजन कर सकते हैं। दूसरी चीज, अब कई बार लोग पूछते हैं, बहुत से लोग पूछते हैं कि हनुमान जी को कैसे खुश करें, मंगलवार व्रत रखें या शनिवार व्रत रखें, या रोज सुंदरकांड सुनाए, या रोज 108 बार हनुमान चालीसा पढ़े, या उनको मंगलवार के दिन बंधन चढ़ाएं, या वो अकौए के पत्ते में सीताराम लिख के वो माला पहनाएं। भैया यदि ये आप करते हो, सुलभता से सहजता से करते हो तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन नहीं कर पाते तो हनुमान जी को प्रसन्न करने का सबसे बड़ा सूत्र मैं बताती हूँ, सबसे बड़ा सूत्र। इससे ज्यादा प्रसन्न
ना सुंदरकांड से होंगे, ना चालीसा से होंगे, ना बंधन से होंगे, ना आग के पत्ते में सीताराम लिख करके माला चढ़ाने से होंगे। सबसे ज़्यादा यदि प्रसन्न होंगे तो उनके सामने बैठ के एक आसन से केवल 5 मिनट उनको सीताराम 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 सुना दीजिए। बस एक आसन से बैठ के 5 मिनट का नियम बना लीजिए सीताराम, और फिर देखना चमत्कार कैसी उनकी गदा चलती है। 1-2 महीने के भीतर परिवर्तन आपको खुद समझ में आ जाएगा। लेकिन ये नहीं कि एक दिन बैठ गए 5 मिनट, अब कहते हो शाम को कुछ तो ठीक ही नहीं हुआ। अब जब इतने सारे पाप रोज किए हैं, रोज करते हैं हम, कोई ऐसा नहीं है जो रोज पाप ना करे। कभी झूठ बोलना, कभी किसी का मन दुखाना, कभी कुछ करना, कभी कुछ करना, तो जब डेली डेली इतने सारे पाप करते तो उनको कटने में समय लगेगा या नहीं, और फिर सुधरने में भी समय लगेगा। तो 5 मिनट का नियम, केवल, ज्यादा नहीं कह रही कि 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं कर पा रहे तो केवल 5 मिनट का नियम, आसन पे बैठ के उनको उनके ही सामने सीताराम सीताराम सुनाओ, प्रतिदिन सुबह शाम सुनाओ, नियम से, नियम बना के। नियम टूटे ना, खाओ ना खाओ, पानी पियो ना पियो, नियम ना टूटे। और जब ये नियम नहीं टूटेगा और जब वो देखेंगे तो सीताराम नाम उनको बहुत प्रिय है, फिर उनकी गदा चलनी प्रारंभ हो जाएगी। तो संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहुं गुरुदेव की ना। केवल इतना सा आपका जीवन बदल सकता है।